Friends, a very good morning to all of you. This is Sugan and today we will do our part 2nd and part 3rd of the chapter The Tiger King written by Kalki. हमने अभी तक अपने जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर ये किया है कि जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के उनको एक वो एक छोटे से बच्चे होते हैं उनको एकदम से वो भविष्यवाणी करते हैं खुद के बारे में जैसे कोई 10 दिन का बच्चा होता है वो खुद के बारे में ही बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट बातें करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स के साथ तो हमने यही किया है कि वो क्या बातें करते हैं उनको एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि उनकी डेथ होने वाली है ठीक है एंड वो पूछते हैं कि ये तो दैट इज फॉर श्योर कि अगर कोई भी इंसान पैदा होगा तो उसकी डेथ तो होगी ही होगी लेकिन वो 10 दिन का बच्चा उन सबसे क्वेश्चन पूछता है कि कैसे होगी अगर आप ये सब चीजें बताओ देन इट विल मेक सम सेंस तो अभी तक हमने इतना ही किया है अब हम करते हैं इसका पार्ट 2nd एंड पार्ट 3rd क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे कि वो दिन बाय दिन लंबे होते जा रहे हैं पहले से स्ट्रांग होते जा रहे हैं नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब कि और कोई मिरेकल उनके बचपन के दिनों में नहीं हुआ जो इवेंट हम डिस्क्राइब कर चुके हैं इसके अलावा द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी Tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown prince of all the other Indian states did. कि जो छोटा बच्चा है जो कि प्रिंस है राजकुमार है सारे के सारे इंग्लिश काओ का दूध पीता है इंग्लिश नैनी उसे उसका पालन पोषण करती है इंग्लिश में उसे टीचर्स टीच करते हैं एंड वो इंग्लिश मूवीज देखता तो जितने जैसे कि वहां पे उस टाइम के जो प्रिंसेस होते थे राजकुमार होते थे वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही करता है When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. And जब वो 20 साल का हुआ तब जो उसका स्टेट था जो उसका राज्य था जो अभी तक उसके दरबारी संभाल रहे थे वो उसके उस प्रांत के वो अब उसके हाथ में फाइनली आ गया But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. लेकिन जो उस साम्राज्य में हर किसी को एस्ट्रोलॉजर की वो भविष्यवाणी याद थी Many continued to discuss the matter. हर कोई इंसान उस चीज को कॉन्टिन्यूटी मतलब डिस्कस करता रहता था Slowly it came to the महाराज ears. और वो अब महाराजा के कानों में भी ये वाली बात आ गई थी There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम state. They had tigers in them. The महाराजा knew the old Saying, you may kill even a cow in self-defense. There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. कि उस जो प्रतिबंधमपुरम जो स्टेट था उसके अंदर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे बहुत ज्यादा जंगल थे उनके अंदर बहुत ज्यादा टाइगर्स थे और महाराजा भी महाराजा बहुत ज्यादा बिलीव करता था इस चीज में कि आप अपनी खुद की सुरक्षा के लिए एक काऊ को भी मार सकते हो लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है मतलब अगर आप एक काऊ है वही एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट एनिमल आप उसे ही मार सकते हो तो टाइगर को तो मारने में कोई बुराई है ही नहीं कोई हार्म है ही नहीं खुद के बचाव में एंड जो महाराजा थे अब उसने क्या किया टाइगर को शिकार करना टाइगर हंट करना उसने स्टार्ट कर दिया द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर थ्रिल्ड होता है एक्साइटेड होना वो बहुत ज्यादा जैसे होता ना कि बहुत ज्यादा अमाउंट में वो एक्साइटेड बहुत ज्यादा खुश हुए थे जब उन्होंने अपने पहले टाइगर को मारा था He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उन्होंने जो सबसे बड़े चीफ जो एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजर थे उनके पास गए और उन्होंने बोला कि देखो मैंने इसे मार दिया What do you say now? He demanded. और उसने उनसे पूछा कि अब आप क्या बोलते हो Your majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. But the astrologer trolled. कि जो महाराज आप 99 टाइगर्स को इसी तरह से मार सकते हो जिस तरह से आपने मारा बट लेकिन वो फिर रुक गया ड्रोल का मतलब होता है जो स्पीक स्लोली कि आराम आराम से बोलना बट व्हाट क्या स्पीक विदाउट फियर बिना डर के बोलो बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर कि आपको 100वें टाइगर से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा What if the 100 tiger were also killed? और अगर मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया तो then I will tear up all my books on astrology. तब मैं अपनी सारी की सारी बुक एस्ट्रोलॉजी वाली फाड़ दूंगा set fire to them, उनकी आग लगा दूंगा And
एंड आई शिल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी चोटी भी काट दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बालों को छोटा कर दूंगा एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक बीमा करने वाला अधिकारी बन जाऊंगा। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर है, जैसे उनके लिए जो सबसे बड़े सम्मान की बात होती थी वो उनकी टफ्ट होती थी, वो अपने मतलब बाल वो काटना शुभ नहीं मानते, तो वो बोल रहा था अगर ये मेरी ये चीजें गलत हो गए ना तो मैं ये सारी चीजें कर दूंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और उसने ऐसे लड़खड़ाते हुए आवाज में इन सब चीजों को किया। नाउ वी विल डू अवर पार्ट थर्ड। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधमपुरम। अब ये सब के सब टाइगर्स के लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम था। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा, कि पूरे के पूरे राज्य में अब टाइगर जो टाइगर का शिकार करना है वो बंद हो गया, महाराज ही उसका शिकार कर सकते थे। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यू टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एज अ टाइगर All his wealth and property would be confiscated. And पूरे की पूरी उसके अंदर एक official announcement हो गई, एक घोषणा हो गई। Proclamation क्या होता है? घोषणा, कि अगर कोई भी इंसान ये करता हुआ मिला, कि अगर उसने टाइगर की तरफ एक पत्थर भी फेंका, ठीक है, मतलब फ्लिंग मतलब टू गो फॉर, अगर किसी ने पत्थर भी फेंका हुआ कोई पाया जाता है, देन उसके सारी की सारी संपत्ति प्रॉपर्टी उन सारी की सारी चीजों को हम जब्त कर लिया जाएगा। कॉन्फिस्केटेड मतलब टू टेक समथिंग अवे एज अ पनिशमेंट, उसको एक पनिशमेंट के तौर पर उन सब चीजों को ले लिया जाएगा। द महाराजा वाउड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। एंड महाराजा वाउड मतलब एक शपथ ली, उन्होंने शपथ ली कि वो सबके सब मैटर्स को तभी सोल्व करेंगे, पहले वो 100 टाइगर्स को मार दें। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। स्टार्टिंग में जो किंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार लगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कभी डेंजर्स को फेस नहीं किया था। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, ऐसे बहुत बार टाइम आया कभी कभी जो बुलेट है यानी कि जो गन है उसकी गोली मिस कर गई हो। द टाइगर लैप्ड अपॉन हिम, टाइगर उनके ऊपर टूट पड़ा हो, एंड ही फॉट द बेस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, और उन्होंने अपने नंगे हाथों से टाइगर के साथ लड़ाई की हो। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु विन, और हर बार महाराजा ही जीतते थे। At another time, he was in danger of losing his throne. और कुछ टाइम वो बहुत ज्यादा खतरे में था अपने थ्रोन को, अपने उसको लूज करते हुए, अपने सिंहासन को लूज करते हुए। A high ranking British officer visited Pratibandhampuram. He was very fond of hunting tigers. और एक बार क्या हुआ, एक बहुत उच्च अधिकारी जो ब्रिटिश ऑफिसर था, उन्होंने प्रतिबंधमपुरम को विजिट किया और उन्हें बहुत ज्यादा शौक था टाइगर का शिकार करने का। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, एंड जिसको उन्होंने मारा उसके साथ फोटोज क्लिक करवाने का। एज यूजुअल ही विजिटेड ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधमपुरम, और हम मतलब जैसे साधारण की तरह वो वहां पे भी जैसे टाइगर्स को शिकार करना चाहता था। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व, लेकिन जो महाराज थे वो अपने डिसीजन को लेके बहुत फर्म थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। ही रिफ्यूज परमिशन, आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, और उन्होंने इस परमिशन देने के लिए उनको टोटली मना कर दिया कि मैं और कोई भी शिकार ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, कि आप एक जो जंगली सुअर होते हैं आप उनके शिकार के लिए जा सकते हो। यू के कंडक्ट अ माउस हंट, यू मे कंडक्ट, और आप एक जो माउस होता है जो एक चूहा होता है उसका भी आप उसका शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, और हम एक मच्छर का शिकार भी कर सकते हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, कि बट टाइगर का जो शिकार है वो तो टोटली इम्पॉसिबल है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द डुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने अपना सेक्रेटरी भेजा, एंड जो उसका दीवान था वो राजा के पास आया कि जो डुराई हैं जो कि वो ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो खुद टाइगर को नहीं मारेंगे, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, क्योंकि उन्होंने उनके पास एक ऑफर भेजा कि वो ऐसे करेंगे कि महाराजा तो टाइगर को मार देंगे और वो उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा देंगे, द महाराजा की महाराजा एक्चुअल में उसे मारेंगे। बट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द डुराई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन, लेकिन उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बस वो उसके साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाए, एंड जैसे कि मतलब एक गन को पकड़े हुए कि इससे ऐसे शो कि वो मारा उन्होंने, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस, एंड उस टाइगर्स की जो शव है उसकी जो लाश है उसके साथ वो
खड़े हुए बस फोटो क्लिक करवाएं। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन जो महाराजा उन्होंने इस प्रपोजल के लिए भी मना कर दिया। इफ ए रिलेंटेड नाउ, रिलेंटेड मीन्स अगर वो अभी सॉफ्ट हो जाते हैं, वट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर स्टैंड अप फॉर अ टाइगर हंट्स, लेकिन अगर वो अभी सॉफ्ट हो जाते हैं तो बाकी के बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो भी शिकार करना मतलब इसको कंटिन्यू रखेंगे, तो फिर अब वो उन लोगों को क्या जवाब देंगे। उन्होंने खुद से ये सोचा, बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग इट्स किंगडम इटसेल्फ, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था एक ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो महाराजा ने सोचा है कि कभी ऐसे ना हो कि उन्होंने अपने साम्राज्य के खिलाफ एक खतरा खड़ा कर दिया। देन द महाराजा इन द दीवान हेल्ड द डेलिब्रेशन ओवर दिस इश्यू, तो उन्होंने इन चीजों के ऊपर क्या किया, एक विचार विमर्श किया। डेलिब्रेशन मीन्स टू थिंक अबाउट, किसी चीज के बारे में सोच विचार करना। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉरविद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकटा, एंड उसके लिए एक टेलीग्राम भेजा गया, डिस्पैच मतलब भेजा गया, फॉरविद टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, कैलकटा में एक फेमस ब्रिटिश कंपनी थी उसके लिए तुरंत एक टेलीग्राम भेजा गया। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, कि फटाफट से अलग अलग सुंदर सुंदर जैसे डिफरेंट डिजाइन्स के डायमंड रिंग्स, महंगी महंगी रिंग्स के सैंपल भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव्ड और कुछ 50 रिंग्स आई। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, एंड महाराजा ने क्या किया, सारे के सारे रिंग्स जो ब्रिटिश ऑफिसर की जो लेडी थी उसके लिए भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड टू द दुराईसिनी टू चूज वन और टू रिंग्स, और जो किंग था मिनिस्टर था उन सबने सोचा कि जो वो ब्रिटिश ऑफिसर है जो उसकी वाइफ है वो उनमें से एक या दो रिंग को सेलेक्ट कर लेगी एंड सेंड द रेस्ट और बाकी की वो वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराईसिनी सेंट हर रिप्लाई, एंड बिना कोई मतलब टाइम लगाए दुराईसिनी ने उनका रिप्लाई दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, कि आपके सबके सब गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British ज्वेलर्स, उनकी तरफ से 3 लाख का एक बिल आया। The Maharaja was happy then though he has lost some 3 lakh of rupees, लेकिन महाराजा बहुत ज्यादा खुश थे कि उन्होंने 3 लाख रुपए तो उनके हो एक तरह से गुम हो गए, लेकिन he had managed to retain the kingdom, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपने साम्राज्य को बचा लिया। So students, यहाँ पे हमारा पार्ट 3rd कम्प्लीट होता है, एंड हम अपना पार्ट 4th एंड पार्ट 5th हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ब्यूटिफुल डे।